अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जाई गोट फार्म। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं शेयर करने वाला हूँ ईद के रिलेटेड, कि ईद को बकरा आपको कैसा परचेस करना है और उसकी देखभाल बकरे को घर पे लाने के बाद किस तरह से करनी चाहिए, तो इसके ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहला तो परचेसिंग पे अपन आते हैं कि बकरे को परचेस करते वक्त क्या क्या ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप बकरे को परचेस करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो उसमें आपको यही देखना है कि आपको बीमार जानवर नहीं खरीदना है। तो बीमार जानवर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला उसके बाल देखना चाहिए कि बकरे ने बाल खड़े तो नहीं किए, एक पहला कॉमन सिग्नल है ये। अगर बकरा बीमार रहेगा तो उसके बाल खड़े करेगा, उसकी दुम है वो दुम दबा के खड़ा रहेगा और हेड डाउन करेगा बकरा। तो अभी तो ये कॉमन है सिम्टम, ये तो कोई भी पहचान लेता है। तो बीमार जानवर हरगिज़ ना परचेस करें। थोड़ा भी आपको ऐसा सुस्त लगे जानवर तो उसको परचेस ना करें आप, क्योंकि अपन उसको मेडिसिन नहीं कर सकते घर पे आने के बाद, उसको यानी मेडिसिन नहीं यूज़ कर सकते, एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा दिन बचते नहीं है और बकरे को अपने को हलाल करना है, तो हिसाब से उस पर मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते। थोड़े बहुत जो देसी नुस्खे है वो अपन उस पर यूज़ कर सकते हैं, तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि किन किन देसी नुस्खे से अपन काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला बकरे के पाव, उसके टेस्टिकल भी आपको देखना बेहद ही ज़रूरी है कि इसमें कैसा होता है। बकरा शीमेल भी आता है, यानी अपने कॉमन लैंग्वेज में हिजड़ा बकरा भी आता है, तो वो भी अपने को पहचानना चाहिए कि बकरा सही है क्या क्या है। पाव भी उसके आप देखो, कई बकरे को FMD तो नहीं है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें देखते वक्त बकरा अच्छे से उसको चेक करो। बकरे के बदन से पूरा अपना हाथ घुमावे, तो कुछ भी अगर उसको प्रॉब्लम रहेगा तो मालूम पड़ जाएगा अपने को बकरे को। तो ये तो भी बकरे की पहचान कैसी करनी है अपने को। अभी उसको घर पे लाने के बाद अपने को क्या देखभाल करना चाहिए तो उसके ऊपर अपन बात करते, थोड़ा फोकस करते उसके ऊपर कि बकरा घर पर आने के बाद उसकी किस तरह से अपने को देखभाल करनी चाहिए। तो सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा मिक्स ऑयल ज़रूर बना के रखो, ये बहुत ही काम की चीज़ है मिक्स ऑयल, तो ये ज़रूर बनाओ अपन अपने घर पे। तो उसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे बताई है कि किस तरह से मिक्स ऑयल करना है। तो एक ये रेडी करके रखो आप मिक्स ऑयल, तो बहुत ही काम आता है। तो बकरा आप पहला घर पर लाए तो उसका क्या करना चाहिए, सबसे पहला ये बात की ध्यान रखो कि लाते ही बकरे को ना नहलावे। जैसे बहुत लोग भाई लोग क्या करते हैं, बकरा गंदा रहेगा तो उसको तुरंत नहला देते, तो वैसा नहीं करना चाहिए। बकरा मंडी से लिया है या फार्म से लिया है और बकरा गंदा है तो उसको हरगिज पहले दिन ना नहलाए, उसको एक दो दिन अपने घर पे उसको सेट होने दो, उसके बाद फिर बकरे को आप नहला सकते हो। हल्का गुनगुना पानी, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, तो वो पानी से आप बकरे को निलाओ, अच्छे टॉवल से उसको पोछो, अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो उससे तुरंत बकरे को सुखा दो, ठीक है। तो ये अपन कर सकते हैं बकरे को निलाने का। और इससे पहला आप अगर समझो मौसम अगर ख़राब है, बारिश है बाहर, ठंडा मौसम है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो निलाने से पहले एक काम अपन कर सकते हैं कि बकरे को आप उसके वजन के हिसाब से तिल का तेल दे सकते हो बकरे को, तो उससे बकरे में गर्मी आ जाएगी। खिलाने के एक दो तीन घंटा पहला उसको तिल का तेल दो, तो उसको ना ठंड लगेगी और ना उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्योंकि तिल के तेल की तासीर गर्म रहती है, तो बकरे में अपने गर्मी बनी रहेंगी। तो ये चीज़ अपन कर सकते हैं बकरे को नहलाने के पहला, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर करो। और दूसरा एक देसी नुस्खा है जो जंगलों में बहुत से फार्मर प्रैक्टिस भी करते हैं, तो जैसे बकरे को बुखार सर्दी या खांसी वगैरह होती है तो उन लोग एक देसी नुस्खा यूज़ करते हैं,
और उसको अच्छा रिजल्ट भी है, कारगर भी है। वो ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे बताया है कि एक चाय उन लोग बना के बकरे को पिलाते, तो फिर वापस एक बार मैं आपको बताता हूँ कि चाय किस तरह बनाई जाती है। एक दो से तीन कप अपन चाय बनाने की, जैसे नॉर्मली अपन चाय बनाते, पर इसमें यही है कि बिगर शक्कर और बिगर दूध की अपने को चाय बनानी है। और वो चाय में एक कांदा, थोड़ा सा अदरक और चार पांच कलियां लहसुन की, ये तीनों को मैश करके अच्छे से उबाल के चाय में और ठंडा करके आप बकरे को पिलाएंगे तो इंशाल्लाह बकरे को सर्दी या जो भी हल्का फुल्का टेम्परेचर आया है तो वो इससे दूर हो जाता है। ये अच्छा नुस्खा है, ये जंगलों में फार्मर लोग प्रैक्टिस करते हैं इसको, ठीक है। और एक तो कॉमन प्रॉब्लम एक आता है लूज मोशन का, तो उसको तो अपन अगर एकदम सीवियर लूज मोशन है तो फिर उसको आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा। या हल्का फुल्का अगर लूज मोशन है, गोबर कर रहा है, तो उसको भी देसी नुस्खा है। अगर किसी को प्रॉब्लम आवे तो मैं फ़ोन पे बता दूंगा वो चीज़ कैसी करनी है और किस तरह से उसको करना है। तो इसका मेजर कारण क्या होता है लूज मोशन लगने का, कि बकरे को जब घर पे लाते तो उसका फीड चेंज हो जाता है, या ओवर फीडिंग भी शौक शौक में अपन कर लेते। जैसा बहुत सारे भाई क्या करते, बकरे को चना खिलाते, एक एक किलो आधा आधा किलो चना खिलाते, जो कि बकरी की हैबिट नहीं रहती चना खाने की। फार्म पे बोलो, जंगल में तो हरगिज़ उसको चना नहीं खिलाया जाता है, और फार्म पे भी इतना चने का यूज़ नहीं होता है, हम लोग भी इतना चना नहीं खिलाते बकरे को। तो चने को आप, मैं तो कहूँगा कि ग्रेन्स को ही आप अवॉइड करो। जितने दिन घर पे आपने बकरा रहेगा तो उसको मकई, चना या दूसरा कोई भी ग्रेन्स उसको मत दो, क्योंकि वेट गेन तो होने वाला नहीं है। बकरा चार पाँच दिन या आठ दिन जो अपने घर पे रहेगा तो उसमें इतना कुछ वेट गेन आने वाला नहीं है। अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि बकरा हेल्दी तंदुरुस्त रहे, तो उसको हल्का फुल्का डाइट पे ही रखना चाहिए। जैसा हरी पत्ती, जौ, ये देंगे तो बेहतर है। या कोई भी अगर आपके पास पत्ता अवेलेबल है गुल्लर का या वड़ का, तो इस पर आप रखोगे बकरा तो तंदुरुस्त और हेल्दी रहेगा। तो ये चीज़ बेहद ही ज़रूरी है कि बकरे को ओवर फीडिंग ना करे शौक शौक में, तो इससे बकरा प्रॉब्लम में आ सकता है, ठीक है। और बचा कुछ अपना घर का खाना तो हरगिज़ बकरे को देना नहीं चाहिए। जैसा कोई भी बंदा क्या करता है, बच गया तो बकरे को दे देते खाने को, तो वैसा ना करे। ताज़ा अगर रोटी बिटी आप दे रहे हो तो ठीक है, चावल वगैरह तो बकरे को हरगिज़ नहीं देना चाहिए, तो इससे पेट का मसला आ सकता है चावल से। बकरा तो खा लेगा पर उसको नहीं देना है। आपको रोटी आप देंगे गरम गरम तो ठीक है, अच्छी ताज़ी रोटी बकरे को देंगे तो ठीक है, वो आराम से बकरा डाइजेस्ट कर लेता है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं ऐसी, तो इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि पानी, बकरे को आप पानी देंगे तो उसके ऊपर ध्यान रखो कि पानी ना तो ज़्यादा ठंडा ना गर्म, ऐसा हल्का सा उसको गुनगुना पानी, जैसा वो पी सके इस तरह से उसको पानी देना है। पानी में आप हिमालय बत्तीसा, काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ा सा गुड़, ये डाल के अगर बकरे को देंगे तो बकरा तंदुरुस्त भी रहेगा, और गुड़ देंगे थोड़ा तो बकरा एनर्जेटिक भी रहेगा। तो इस तरह से आप पानी दे सकते हो बकरे को। और हर कोई तो अच्छे सेफ जगह पे ही बकरा रखता है, पर ये अपनी कोशिश होनी चाहिए कि बकरा सूखे जगह पे रहे, साफ सुथरी जगह पे रखेंगे बकरे को तो बेहतर है। ये तो हर कोई रखता है, क्योंकि कुछ दिन का मेहमान है तो उसको अच्छे से तो टेक केयर करते ही है, पर ज़्यादा से ज़्यादा बंदों का फोकस फीडिंग पे रहता है। हमने भी देखा और हमको भी बहुत सारे कॉल आते हैं कि बकरा भाई खा नहीं रहा है, तो ये इशू आ जाता है हर किसी को खाने का। क्योंकि होता है क्या, बकरा फार्म पे रहता है, खस्सी बकरा रहेगा या केज वाला रहेगा, तो उसका एक टाइम शेड्यूल बना रहता है, वो टाइम शेड्यूल से उसको खाना दिया जाता है। और अपन घर पे लाते हैं तो क्या होता है, हर कोई अलग अलग तरीके से उसको खाना देते रहता है पूरा दिन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये रूमिनेंट जानवर है, इसको थोड़ा टाइम उसको जुगाली करने को देना चाहिए, एक टाइम फिक्स करके वही हिसाब से ही अपने को खाना देना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से जैसा अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा कुछ दिया उसको हल्का फुल्का खाने को, फिर उसको गैप दिया, फिर उसको पानी दिया, ऐसा करके फिर उसको ये हिसाब से देना चाहिए। पूरा दिन खाना नहीं देना चाहिए बकरे को, उसको दो टाइम देंगे तो काफ़ी है बकरे को। उसके साथ खेलो,
प्यार करो, फीडिंग पे इतना ध्यान नहीं करो, रखो बकरे को। बस यही है कि बकरा अपना हल्का फुल्का रहे, यानी हेल्दी तंदुरुस्त, और हेवी फीडिंग करने से बचे बकरे को, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे इश्यू आ जाते हैं, खास करके लूज मोशन का प्रॉब्लम आ ही जाता है बकरे को। तो ये चीज़ से बचे आप, बकरे को रिलैक्स होने दो, टाइम दो उसको, हर चीज़ उसके हिसाब से करने दो बकरे को, तो ये बेहतर रहेगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अपन फोकस करके अपना बकरा अच्छे से रख सकते हो, हेल्दी और तंदुरुस्त अपने बकरे को अपन रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये छोटी मोटी जानकारी है, ज़रूरी है, तो कुछ भूल भी रहा होगा मैं, तो इस हिसाब से अपने को काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।